महाकुंभ 2025 को लेकर के देश दुनिया के लोगों को बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में हम मौजूद हैं संगम तट पर, जहां पर विकास कार्य तेजी से चल रहा है। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये एक पक्का घाट बनाया जा रहा है, और अगर हम संगम क्षेत्र की बात करें तो 7 पक्के घाट जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, और उनमें से ये एक घाट है जिसको किला घाट कहा जा रहा है। और अगर इसके लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो ये 60 मीटर चौड़ा है और तकरीबन 72 मीटर जो है वो ये लंबा है। महाकुंभ 2025 की शुरुआत होने से पहले संगम क्षेत्र का अधिकतर स्वरूप काफी बदला हुआ या कहें कि खूबसूरत की मिसाल पेश करने वाला है। विश्वनाथ की नगरी काशी की तर्ज पर कुंभ नगरी प्रयागराज के घाटों का पुनरुद्धार करा रही है। इसके तहत गंगा और यमुना नदी के 7 घाटों को नव्य रूप दिया जा रहा है। इसका लगभग 80% काम पूरा हो गया है। जानकारों की माने तो इन घाटों के सौंदर्यीकरण का काम नवंबर महीने तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। श्रद्धालुओं को घाट पर मेडिटेशन जोन, चेंजिंग रूम, सिटिंग प्लाजा, ग्रीन जोन, कैंटीन की सुविधा मिलेगी। अधिकारियों की बात माने तो उनका कहना है कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को उच्च दर्जे की सुविधा प्रदान करना है। ऐसे में घाटों का आधुनिकीकरण और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। वहीं इन सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए हरित पट्टी को भी विकसित किया जा रहा है। इन घाटों पर छतरी, हाई मास्ट, पेयजल आदि की व्यवस्था की जा रही है। वहीं स्वच्छ पानी के लिए आरओ को लगाया गया है, जबकि सचल टॉयलेट और चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था की गई है। कुल 7 घाट एनएमसीजी से परमिशन के द्वारा हम लोगों इरिगेशन द्वारा विभाग द्वारा बनाए जा रहे हैं। 3 घाट गंगा जी पर हैं, दशाश्वमेध है, ज्ञान गंगा घाट है, और 4 ये करीब यमुना जी पे है, महेवा घाट है, किला घाट है, नौकायन घाट है। तो 7 घाट हैं और सभी पे काम चल रहा है, तेजी से कहे काफी आगे काम चल रहा है और समय से इसको पूरा करा लेंगे। आपको बता दें कि जिन 7 घाटों का कायाकल्प किया जा रहा है उनमें दशाश्वमेध घाट, ज्ञान गंगा घाट, झूंसी, किला घाट, वीआईपी घाट, सरस्वती घाट, रसूलाबाद घाट, नौकायन घाट और महेवा घाट शामिल हैं। बाढ़ आने की वजह से बताया जा रहा है कि अब 15 नवंबर के पहले सभी घाटों का सौंदर्यीकरण और सुविधा विस्तार का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। महाकुंभ 2025 को लेकर के देश दुनिया के लोगों को बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में हम मौजूद हैं संगम तट पर, जहां पर विकास कार्य तेजी से चल रहा है। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये एक पक्का घाट बनाया जा रहा है, और अगर हम संगम क्षेत्र की बात करें तो 7 पक्के घाट जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, और उनमें से ये एक घाट है जिसको किला घाट कहा जा रहा है। और अगर इसके लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो ये 60 मीटर चौड़ा है और तकरीबन 72 मीटर जो है वो ये लंबा है। बेहद खूबसूरत तरीके से इस घाट को बनाया जा रहा है। अगर हम सबसे पहले अंकित से कहेंगे कि वो इधर दिखाए कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लेबर भी यहाँ पर लगे हुए हैं। हालांकि जो बाढ़ आई है उसकी वजह से 2 से 3 महीने का कार्य पीछे तो ज़रूर चल रहा है, लेकिन कार्य जो है बहुत ही तेज़ी से हुआ है। अगर हम पक्के घाट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सबसे पहले जो है आपको दिख रहा होगा कि ये जो जगह है ये चेंजिंग रूम की जगह है, जो 2 चेंजिंग रूम यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उधर जो पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं ये मेडिटेशन जोन वाले पिलर है, मतलब कि जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे वो मेडिटेट भी कर सकते हैं। 3 मेडिटेशन जोन जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, एक इस तरफ है, एक उस तरफ है, और एक जहाँ पर हम खड़े हैं इसको भी मेडिटेशन जोन को बनाया जा रहा है। ठीक हमारे सामने आप देख सकते हैं 3 सिटिंग प्लाजा जो है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, और यहाँ पर श्रद्धालु आराम से बैठ सकते हैं। और ठीक सामने जो नदी का जो नज़ारा है वो भी आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर ले सकते हैं, और आस्था की जो डुबकी है वो भी लगा सकते हैं। अगर हम सिटिंग प्लाजा के बगल की बात करें तो ग्रीन जोन बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 2 ग्रीन जोन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर हरियाली रहेगी, यहाँ पर पौधों को लगाया जाएगा, फूल को लगाया जाएगा। और उसी के ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी कैंटीन भी दी जा रही है कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे तो वो चाहे वो खाने पीने के छोटे मोटे सामान हो या फिर फूल हो वो वहाँ से ले सकेंगे। और उसी के ठीक बगल पर अगर हम कहें तो आप देख सकते हैं कि JCB यहाँ पर लगी हुई है, और इसी के ठीक पीछे यहाँ पर बनाया जा रहा है रैंप, और रैंप के ठीक पीछे यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो पार्किंग जोन भी बनाई जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि विकास जो कार्य है वो तेज़ी से चल रहा है। हालांकि अगर आप सीढ़ियों की बात करेंगे कि बाढ़ का पानी यहाँ बहुत देर तक था, जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो अभी भी यहाँ पर चिपकी हुई है, लेकिन बताया जा रहा है अधिकारी के मुताबिक सभी जो कार्य हैं वो 15 नवंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। और अगर हम यहाँ की बात करें तो इनका दावा है कि
10 नवंबर तक जितने भी यहाँ पर कार्य है, जो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो लोग लगे हैं वो पूरे हो जाएंगे, और आने वाले 5 से 10 दिनों के अंदर यहाँ पर फिनिशिंग का जो कार्य है वो भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से 7 जो पक्के घाट हैं वो संगम के तट पर बनाए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई समस्या न हो। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, पंजाब के सिटी टीवी प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।